हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर आपका हमारी न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज मैं हूं अपनी टाटा नेक्सन 2023 मॉडल के साथ, जो कि हमने रिसेंटली ली थी 2023 में, और अभी तक हमने इसे तकरीबन 28,000 से 30,000 किलोमीटर चला दिया है। और इसके साथ क्या क्या मतलब अभी तक हो चुका है, कितनी सर्विस करवा ली, और क्या कुछ इसकी परफॉर्मेंस है, क्या कुछ मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, और क्या कुछ इस गाड़ी के अंदर मेरे को अच्छा लगा और क्या चीज़ बुरी लगी, वो सब अब आज अपन डिस्कस करेंगे। तो गाइज़, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूँ अपने गाँव जो कि दंतौर के बाईपास एरिया में। यहाँ पर देखो अभी शाम का टाइम है और काफ़ी शांत सा माहौल है। बाकी अभी गर्मियाँ आ गई, तो आगे जब भी बारिश का टाइम होगा तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगा, वो भी आपको आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। अभी चलिए बात करते हैं अपन गाड़ी के बारे में। तो ये रही भैया अपनी गाड़ी 2439 RJ07 अपनी शान। एक बार मैं आपको इसका पूरा वॉक अराउंड दे देता हूँ कि चारों तरफ से अभी अपनी गाड़ी कैसी है, आपको दिख रही होगी चारों तरफ से गाड़ी अपनी बिल्कुल साफ़ है। और ये छोटा सा यहाँ पर क्या है, डेंट लग गया था क्योंकि गाड़ी हमारी क्या पार्किंग में खड़ी थी, और जैसे यहाँ पे पार्किंग में खड़ी है गाड़ी और इस तरफ कोई दो आवारा पशु लड़ रहे थे, तो वो लड़ते लड़ते गाड़ी के अंदर आके यहाँ पे लग गए। हल्का सा डेंट है, और इससे पहले मेरे पास डिज़ायर थी, अगर वो होती तो आई थिंक ये पूरा मेरे को पैटर्न चेंज करवाना पड़ता। टाटा का लोहा तो काफ़ी मजबूत है। इसका एक एडवांस और दिखा रहा हूँ आपको, मैं अभी एक उदाहरण और दूंगा इसका। गाड़ी पीछे से अपनी बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल जैसी थी वैसी है। और अभी आपको मैं वो फ्रंट इंपैक्ट दिखा रहा हूँ जहाँ पे बिल्कुल पशु हमारे लगे थे। ये देखो गाइज, शायद तक आपको वीडियो के अंदर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा पास ले जाके दिखाता हूँ। ये जो है तो डेंट दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है भैया, अपनी गाड़ी बीकानेर से दंतौर की तरफ आ रही थी वापस, तो उस टाइम क्या है तकरीबन भैया चला रहे थे और फैमिली थी साथ में। गाड़ी की स्पीड थी तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, और सामने से क्या है नाइट का टाइम था तो पशु आगे और सामने से लाइटें मटी दिखाई नहीं दिया, तो उस स्पीड के अंदर इतना इम्पैक्ट गिरा है इसके अंदर। ये यहाँ से जो बम्पर है ये बाहर आ गया था, ये तो बाद में पेच निकल गए थे इसको नए डाल के, और ये अंदर फिट कर दिया वापस। और ये हल्का सा इतना डेंट है, और ये जो लाइट है ये हल्की सी यहाँ से क्रैक हुई है, और गाड़ी के कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल जैसी गाड़ी थी वैसी है अपनी। और इसकी जगह अगर अपने पास कोई और होती मारुति वगैरह तो आई थिंक वो तो गर्दन तक आ जाती, लेकिन टाटा का लोहा काफ़ी मजबूत है, ये बात माननी पड़ेगी। ये तो हमने बिल्कुल प्रैक्टिकल से मान लो प्रैक्टिकल करके देख लिया है। अभी चलते हैं अपन गाड़ी के अंदर, आपको दिखाता हूँ एक बार बाहर से पूरा, जैसे मैंने फाटक बंद कर दिया। ये चीज़ यार टाटा की मेरे को अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी, ये चीज़ है ना, फिट एंड फिनिश बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो यहाँ से अंदर से पूरा दिखाई दे रहा है, ये चीज़ देख लो कितना गैप है, और बाकी टायर वगैरह पूरे है ही। मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ एक बार, गाड़ी की कंडीशन तो कुछ है वैसी है, वो आप थोड़ा गौर मत करना, आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो कार्ड वगैरह ऐसे ही पड़े हैं, और ये मैटिंग तो देखो इतनी फटी गई है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा टॉप एंड मॉडल है, इसके लिए इस ये जो है अपना गाड़ी का टॉप एंड मॉडल है, तो इसके अंदर सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि ये सनरूफ हो गया वगैरह वगैरह, ऑटोमेटिक एसी है, क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग कंट्रोल, टच स्क्रीन सब मिल जाता है, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप भी है। ये देख लो गाड़ी हमारी चल गई है 28,479 किलोमीटर गाड़ी चल गई है, बाकी गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको इसके अंदर फिट एंड फिनिश की थोड़ी सी टाटा वालों की प्रॉब्लम बताता हूँ, ठीक है। एक तो ये चीज़ देखो, ये देखो यहाँ पे कितना गैप दिखाई दे रहा है, ये जब मैं गाड़ी लेके आया था तो बिल्कुल ये यहाँ पे पास में था, और अभी इसके अंदर देखो तकरीबन इतनी अंगुली जा रही है, इतना गैप हो गया है इसके अंदर, ठीक है भाई। और बाकी और कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी के अंदर, फिट एंड फिनिश है, वो टाटा को सुधारना पड़ेगा। यहाँ पे भी देख लो चाहे कहीं पे भी देख लो, ये दिक्कत आ रही है, ये देखो ठीक है। प्लस में यहाँ से ये वाला गैप देख लो। अभी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, जो टाटा वालों की कमी से रह रही है, ये चीज़ देखो भाई, लॉक वगैरह सब है इसके अंदर, ये रहा येलो कलर का लॉक दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन फिर भी इस गाड़ी को मैं लगभग 4 बार सर्विस स्टेशन ले गया हूँ सर्विस करवाने के लिए। फ्री सर्विस भी हो गई है, फर्स्ट पेड सर्विस भी हो गई है, सर्विस चार्ज भी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका मैं कह के थक गया उनको, ये कर दो सही, वो कर देते हैं फिर निकल जाता है, कर देते हैं फिर निकल जाता है। ये देखो ये चीज़ है, बस ये चीज़ टाटा वालों को सुधारनी काफ़ी ज़रूरी है। ये देखो यहाँ से ये गैप छोड़ रहे हैं,
ठीक है, एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो नई गाड़ी है बिल्कुल, ये देखो ये हिल रहा है जैसे है वैसा, पूरा हिल रहा है ये देखो। तो यार टाटा वालों इन सब चीज़ों को सुधारो, इन सब चीज़ों को सुधारना बहुत ज़रूरी है। बाकी इकोनॉमी, स्पोर्ट मोड, बाकी सब अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये फिट एंड फिनिश है ना, इसके अंदर गाड़ी ने थोड़ा सा तंग कर रखा है, ये थोड़ी किच 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 सी आवाज़ करने लग जाते हैं थोड़े टाइम बाद। बाकी गाड़ी में सब कुछ है। और एक चीज़ मैंने सबसे बड़ी नोटिस की है कि इस गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने का कोई सिस्टम नहीं है। गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल दिया है, काफ़ी बढ़िया बात है, लेकिन जैसे हमारे की मिट्टी वाला एरिया है, तो इसके अंदर हमारे को क्या है, जैसे गाड़ी इस मिट्टी के अंदर ले आए, ठीक है, हमारा तो काम ही, हम डिज़ायर को भी ले आते थे वहाँ पे चढ़ाइए, उस डिज़ायर को मैंने, इसको भी आगे बरसात का टाइम आएगा तो उस टाइम चढ़ाएंगे। लेकिन जब गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल होता है तो गाड़ी का पिकअप है वो उस हिसाब से नहीं रहता, लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का स्विच देना चाहिए था, और ये टाटा की सबसे बड़ी कमी आई है इसके अंदर। और एक बात आपको और बता दूं, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ये गाड़ी अपने को जान से भी ज़्यादा प्यारी है, लेकिन इसके अंदर हाँ मानते हैं थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, टाटा का लोहा अपने देश का लोहा है, तो उन सब चीज़ों को ठीक आने वाले टाइम में टाटा सुधार लेगा। फिट एंड फिनिश की बात करें ज़्यादा तो बाकी पावर ट्रेन वाइज गाड़ी काफ़ी अच्छी है, और बाकी गाड़ी के अंदर सारी चीज़ें अपने को अच्छी लगी। एक पहले तो आप मेरे को ये बताना कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। और एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा कि क्या आप इस गाड़ी की ऑफ रोडिंग वीडियो देखना चाहते हो, अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, इसी जगह पे अपने इस गाड़ी की ऑफ रोडिंग करेंगे, चाहे ये पेज लें चाहे कोई और पेज लें, कोई सा भी अपने एरिया लें, कोई सी भी कच्ची रोड ले लें, आपको ऑफ रोडिंग बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। अगर चाहिए तो आप कमेंट में बताओ, हम ऑफ रोडिंग बहुत जल्दी इस गाड़ी की करेंगे। ये गाड़ी डिज़ायर की तो हमने वहाँ पे ऑफ रोडिंग की हुई है, इस चैनल पे अपने वीडियो अपलोड की हुई है, जाके पीछे देख लो, काफ़ी अच्छी ऑफ रोडिंग की थी। और इस गाड़ी के साथ ऑफ रोडिंग करने वाले अभी तक की नहीं, क्योंकि सर्दियों के टाइम में लाए थे, और सर्दियों के टाइम में क्या ऑफ रोडिंग करने का हमारे इस एरिया के अंदर इतना मज़ा नहीं आता। आगे बारिश होगी, बारिश के टाइम में आपको ऑफ रोडिंग ज़रूर दिखाएंगे। तो गाइज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज़, लव यू।